स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर ऑफ पांडेश्वर मॉडर्न स्कूल ऑफ क्लास 4. टुडे आई विल टीचिंग यू द सब्जेक्ट्स इंग्लिश. इन माय प्रीवियस क्लास आई रीड एंड एक्सप्लेन द सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश, पीप्स मीट्स कॉन्विक्ट, द फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकेंड पैराग्राफ. नाउ आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट. When peeps begin cry, then hold your noise, cried a treble voice. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. Hold your noise. अपना चिल्लाना बंद करो, रुको उसे. Cried a treble voice, मतलब क्या है, अचानक से जोर से भयंकर आवाज़ में, treble भयंकर आवाज़ में कोई चिल्लाता है. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. एक आदमी उधर से निकलता है. Gravestones ये है, ये जो पत्थर है tombstones के मतलब क्या है, जो पीछे का पत्थर होता है समाधि के पीछे का, तो उसके पीछे, इसके पीछे से ये पत्थर, इसके पीछे से कोई निकलता है, स्टेप बढ़ाता है. कीप स्टिल और आई विल कट योर थ्रोट. तब क्या है कि रुको, नहीं तो क्या है, मैं तुम्हारा गला काट दूंगा. दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग. वो जो आदमी था, यह आदमी क्या है, डरा हुआ है. ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लोथ्स एंड ही हैड ए बिग आयरन चैन ऑन हिज लेग. और उसका क्या है, ड्रेस जो है वो पूरा मतलब क्या है, रफ है, मतलब क्या पूरी तरह से ख़राब है. और उसके मतलब लेग में बड़ा सा एक क्या है, आयरन का चैन, मतलब लोहे का चैन बंधा हुआ है. ही वॉज एंड स्केप्ड कॉन्विक्ट. और वो क्या है, एक भागा हुआ अपराधी है. स्केप मतलब होता है क्या, भागा हुआ, जो मतलब भाग के रहता है. ही शूज वेयर ब्रोकन. उसके जो जूते थे वो फटी हुई थी. ही एंड ही हैड एन ऑल रैग टाइड अराउंड हीज हैड. और उसका जो मतलब सर पर एक टाइट बंधा हुआ है, ठीक है, सर के ऊपर. He was dirty from being began soaked and in the muddy water from the ditch. जैसे क्या है कि वो गंदा, मतलब उसका जो कपड़ा था वो मतलब क्या, वो जो आदमी था वो गंदा था. जिस तरह से कैसे खाई से मतलब मिट्टी वाला पानी वानी निकलता है तो उसमें किस तरह से उसमें लग जाता है तो वो गंदा दिखता है, उसी तरह से. He was covered in scratch from nettles and stones. और वो क्या है, वो पूरी तरह से उसके बॉडी में पूरी तरह से स्क्रैच था. वो मतलब जैसे कि स्क्रैच था, जैसे कि पत्थर स्टोन्स का, जैसे स्टोन्स से कैसे स्क्रैच हो जाता है वैसे, या फिर नेटल्स यानी कुछ मतलब जो कीड़े होते हैं जैसे बिच्छू वगैरह हुआ वो काटते हैं, तो उस तरह से. ही लिम्ड एंड शिवर्ड एंड ग्लेयर्ड एंड ग्रोल्ड. वह लंगड़ाता हुआ और क्या है, उसका मतलब आवाज़ जो है मतलब क्या, डर से कांपता हुआ और कुछ भुनभुनाते हुए वो मतलब उसकी तरफ आता है, ठीक है. ही स्थित चैटरिंग इन हिज हैड एंड ही सीज्ड मी बाय द चेन. और जैसे वो आता है, उसका जो टीत है वो मतलब क्या है, दांतें, वो चैटरेट कर रही हैं, मतलब उसकी दांतें क्या है, वो मतलब क्या है, कटकटाना जिस तरह से होता है ना, चैटरेट करना जैसे, तो वही वो कर रहा है. और उसके हेड जो है वो उसकी तरफ, उस बॉय की तरफ, पिप्स की तरफ, वो चैन से उसके हेड को क्या करता है, सीज कर लेता है. ओह, डोंट कट माई थ्रॉट सर. तो पीप क्या बोल रहा है, डोंट कट, मेरे थ्रॉट्स को मत काटो सर, ठीक है. आई प्लेडेड इन टेरियर मतलब मैंने क्या है कि वकालत की, मतलब क्या, आतंकी वकालत की है, ठीक है. टेल मी योर नेम, सेड द मैन. वो आदमी बोलता है क्या, मुझे अपना नाम बताओ. वो आदमी बोल रहा है क्विक. तो पिप्स क्या बोल रहा है, पिप सर,
वंस मोर शेड द मैन स्टेयरिंग एट मी लाउडर. एक बार फिर से बोलो. सेड द मैन, वो आदमी बोल रहा है, और ज़ोर से बोलो स्टार्टिंग से. पिप पिप सर, शो मी वेयर यू लिव. सेड द मैन, पॉइंट आउट द प्लेस. मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ तुम रहते हो, वो आदमी बोल रहा है. पॉइंट आउट द प्लेस, उस प्लेस को पॉइंट करो. आई पॉइंटेड टू वेयर आवर विलेज ले ए मील फ्रॉम द चर्च. मैं उस क्या है उस प्लेस प्लेस को पॉइंट किया, वो विलेज को, जो मतलब क्या बताया वो कि चर्च से कुछ मील की दूर पर वो विलेज है जहाँ मैं रहता हूँ. द मैन लुकड एट मी क्लोजली. वो मैन मेरे पास आकर करके मुझे देखता है. देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन. और वो फिर मुझे पीछे की तरफ मतलब नीचे की तरफ बैक कर करके नीचे की तरफ बैठ जाता है. एंड इम्प्टेड माई पॉकेट्स. और मेरे पॉकेट्स में कुछ ढूंढने लगता है. ठीक है. देयर वॉज नथिंग इन दैम बट ए पीस ऑफ ब्रेड. वहाँ कुछ नहीं मिलता उसे, लेकिन उस क्या है उस एक ब्रेड का पीस मिलता है. देन अपसाइड डाउन व्यू ऑफ द चर्च राइटेड इट सेल्फ वैन ही प्लेस्ड ऑन मी ऑन ए हाई टर्मस्टोन. और वैसे ही क्या जैसे वो मतलब अपसाइड वो जैसे पीछे की तरफ मतलब बैठा हुआ है झुक करके, तो वो देखता है क्या कि चर्च की तरफ राइटेड चर्च के राइट में इट सेल्फ खुद मतलब देखता है वहाँ पर. व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन ए हाई टर्मस्टोन, मतलब क्या है एक बड़ा सा टर्मस्टोन है, समाधि है, वो वहीं पर वो उसका प्लेस है, वहीं पर वो रहता है बैठा हुआ था. आई शेड ट्रेम्बलिंग वाइल ही एट द ब्रेड रेवेनोसली. और वो क्या है मैं देखता हूँ मतलब मैं बैठा हुआ वहाँ पर उसके ऊपर बैठ कर करके, जो सबसे हाई टाइम स्टोन है उसके ऊपर बैठ कर करके मैं देख रहा हूँ क्या कि क्या मैं सेहरन के साथ मतलब डर डर करके करके देखता हूँ क्या कि वो क्या है ब्रेड को मतलब क्या कि मतलब भूख के कारण वो उसे क्या है पूरा नोच वोच रहा है ब्रेड्स को खाने के लिए. ठीक है. नाउ लुक हेयर सेड द मैन. और वो आदमी बोलता है क्या कि अब मेरी तरफ देखो. वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं. देयर सर सेड आई. और फिर उसके बाद क्या बोलता है कि यहाँ है, जब वो पिप्स बोलता है क्या मैं बोलता हूँ क्या कि सर यहाँ हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज ओवर. द नेक्स्ट क्लास विल बी टुमोरो. एंड आई स्पेशली रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब्स आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक्स आवर वीडियो. थैंक यू.